कि हज़रत उमर ने जो तरीका बताया था, हज़रत उमर ने जो ताजीराती कानून वो जो लाए थे, तो उन्होंने तीन को एक माना, सजा के तौर पर दिया, लेकिन उसके साथ में क्या किया उन्होंने, उसके साथ में कोड़े भी लगाते थे। ये भी मिलता है, ये रिवायतों में मिलता है कि हज़रत उमर जो तीन तल्लाक एक बार में बोल देता तो तल्लाक भी मान लेते थे और साथ में उसको कोड़े भी लगाते सजा के तौर पर। अब ये है कि अब वो तीन तो बचा के रख लिया कि अब जो किसी ने बोल दिया नहीं तीन तीन हो गई, देखो हज़रत उमर ने किया था, तो पहले तो उसे कोड़े भी लगाओ पूरा, अगर करना है तो फिर पूरा भी करो, और उसके बाद वो फिर माने भी, जो मानने वाला है कह रहे कि हाँ मैं तीन को तीन मान रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ तलाक दे दिया मैंने, तो फिर उसको भी चाहिए कोड़े भी खा साथ में, नहीं तो फिर कैसा है आधा कानून, तो ये तो आधा कानून हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा जुर्म था, इसलिए हजरत उमर ने इतनी सख्त सजा रखी, एक तो मजाक बनाया उसकी वजह से उन्होंने कह दिया कि हो गया, और उसके बाद में उसको कोड़े भी मारे जाते थे। तो दीन, हम देखते हैं कि दीन के अंदर जो है तकरीबन मसाइल जितने भी हमारे अमल है आमाल है उसके अंदर सब में कहा गया कि तुम नेकी करने में जल्दी करो, सवाब कमाने में जल्दी करो। जैसे जकात, अगर नेकी करना है जकात के अंदर तो कहा गया नेकी करना है, कोई नेकी का काम है तो जल्दी फ़ौरन से नेकी करो, इससे पहले कि शैतान तुमको बहका ना दे और नेकी तुम्हारे हाथ से रह जाए, तो तकरीबन आमान जल्दी करने के लिए कहते हैं। इसी तरह जकात, वक्त हो गया फ़ौरन दे दो, जल्दी करो, उसके वक्त से जाया मत करो, जैसे ही आपका साल भर हो गया दे दो। इधर नमाज है तो फ़ौरन वक्त हुआ नमाज पढ़ लो, उसको भी जाया मत करो, जल्दी करो नेकी के अंदर। रोज़ा है तो उसको सही वक्त पे रखो, और जैसे ही वक्त हो गया खोल लो, ताखिर भी मत करो। इसी तरह जो हज भी है तो जैसे ही तुम्हारे पास में पैसा आ गया तो ताखिर मत करो, क्योंकि बाद में जाएंगे, इस साल पैसा है तुम्हारे पास में फ़ौरन से चले जाओ, यानी हर चीज़ के अंदर दिया गया। लेकिन तल्लाक जो मसला इस्लाम ने रखा तो इसके अंदर कहा गया कि इसको वक्त दो, इसके लिए लंबी प्रोसेस रखी। बाकी जितनी भी काम किया गया कि जल्दी करो, हर अमल के लिए जल्दी करो, और तल्लाक के लिए कहा गया इसको वक्त दो, और इतनी लंबी प्रोसेस बताई कि अगर पूरी प्रोसेस से इसको किया जाए तो साल दो साल लग जाते हैं। अगर वो पूरा तीन तल्लाक का प्रोसेस जो कुरान हदीस में आया उसको करें तो साल दो साल लग जाए, उसको अगर सही तरीके से लिया जाए। तो यह है कि एक दीन के अंदर कुछ अमल के लिए प्रोसेसर, उसके लिए जो है जो प्रोसीजर बनाए गए हैं कि उसके प्रोसीजर के मुताबिक ही वो अमल करना पड़ता है, वो कुछ के लिए प्रोसीजर नहीं है, तरीके नहीं है उसके लिए कुछ, वो उसके लिए जो इतनी सारी लवाजमात नहीं है, लेकिन कुछ के लिए तो है। जैसे निकाह है तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर है सारा, उससे पहले सब देखना पड़ेगा, जाकर देखिए लड़के को लड़की दिखाई जाए, मेहर तय की जाए, फिर तारीख डिसाइड की जाए, निकाह किया जाए, वलीमा किया जाए, मतलब उसके अंदर पूरा एक प्रोसीजर है, उसके बाद निकाह होगा, लंबा उसका हो रहेगा। और इसी तरह जो है नमाज है तो नमाज के लिए पूरा प्रोसीजर है, उठेगा वो जाएगा, तहारत लेगा, पाकी लेगा, गुस्ल है तो गुस्ल करेगा, वजू करेगा, फिर जाएगा मस्जिद के अंदर, फिर जाकर बैठेगा, तो एक प्रोसीजर है, उसके बाद के अंदर वो नमाज होती है, ऐसे नमाज नहीं होती है। इस तरह सदका है तो सदके का पूरा प्रोसीजर, उसके लिए वो देखिए तुम्हारे पास माल कितना है, हिसाब किताब करें, सोना कितना, चांदी कितना, जानवर कितने, तिजारत है तो उसके अंदर क्या देना है, तो ये सारी चीज़ को उसमें किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए एक प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, उसके तहत ये दिया जाता है, तब जाके ये जो है होता है, ये कबूल किया जाता है ये अमल सारे, उसके लिए पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है। और बिना प्रोसीजर के अगर कोई कर जाता है तो फिर उसको कबूल नहीं किया जाता हो। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी नमाज़ पढ़ने खड़ा, अब नमाज़ पढ़ी उसने, और मगरिब की नमाज थी तीन, उसने पढ़ ली चार, क्या होगा, वो नमाज कबूल है नहीं, कैंसिल, प्रोसीजर उसका था वो फॉलो नहीं किया, उसने कैंसिल, चार पढ़ लिया रद्द, कैंसिल हो जाएगी। उसी तरह किसी ने जो है रुकू एक करना था नमाज के अंदर, सजदे दो करने थे, उसने दो रुकू कर लिए और एक सजदा कर लिया, कबूल है नहीं, कैंसिल, वो रद्द हो जाती है। जकात तो वो नमाज भी कबूल नहीं होगी, रद्द हो जाएगी, क्योंकि वो एक उन्होंने प्रोसीजर के तहत नहीं की। इसी तरह जो है जकात जिसको बताया उसको नहीं दिया, जो मर्द बताया अल्लाह ने कुरान के अंदर कि इन इन लोगों को जकात देना है, अब उसने जकात दी, चाहे वो जकात के नाम से भी दी लेकिन उस आठ मर्द में से नहीं दी, तब क्या होगा, कैंसिल, रद्द, भले ही जकात के नाम से दिया हो कैंसिल हो गया, तुमने सही उसको फॉलो नहीं किया, उसका जो तरीका था उसको। अगर किसी ने रोज़ा रखा, और रोज़ा रखा किसी ने, और जो है रोज़ा 12 घंटे का था, रात को 5 बजे से लेकर तो 7 बजे तक इफ्तार था उसका, अब वो रात को जगा हुआ था 4 बजे, तो उसने सोचा 4 बजे खाना खा लिया, सहरी कर ली, उसने सोचा 12 घंटे का रोज़ा है, और शाम को उन्हें देखा यार मैंने 1 घंटा खाना पहले खा लिया था, अब सूरज तो डूब नहीं रहा, ये 7 बजे डूबेगा तो मैं 6 बजे खा लेता हूँ, रोज़ा तो मेरा 12 घंटे का हो रहा पूरा,
कबूल होगा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उन्हें उसकी जो प्रोसीजर था, जो तरीका था, उसको फॉलो नहीं किया, वो रोजा कबूल ही नहीं उसके लिए। तो इसी तरह किसी ने अगर इफ्तार में भी किया तो वो भी रद्द हो जाएगा, उसका रोजा ही रद्द हो जाएगा। इसी तरह किसी ने अगर जो है हज भी किया और उसके अंदर हज के अंदर जो बताया उस तरीके से नहीं किया, जो भाई इतनी सही करनी है, इतने जो है चक्कर लगाने हैं, तवाफ करना है, उसमें से कम किया, तो वो हज उसका कबूल नहीं किया जाएगा। जो जहाँ रुकने को कहा गया, जहाँ ठहरने को कहा गया, जब मना किया गया कि नमाज नहीं पढ़ना, वहाँ पढ़ ली, तो उसकी उसके अंदर वो हो जाएगा कि फिर उसका हज कबूल नहीं होगा, क्योंकि उसका एक लंबा प्रोसीजर है, पूरा सबका प्रोसीजर दिया। किसी ने जो है कुर्बानी करनी चाहिए, अब कुर्बानी करने गया और कुर्बानी का तरीका जो इस्लाम ने बताया, अल्लाह के रसूल सल्लम ने बताया कि उसको जिबा किया जाएगा, यानी उसके नरकटे को काट कर छोड़ दिया जाएगा ताकि पूरा खून बह जाए। लेकिन अगर उसने वो करने की बजाय एक बार में पूरी गर्दन उसकी अलग कर दी तो क्या हुआ, हराम भी हो जाएगा और वो कबूल भी नहीं की जाएगी उसकी कुर्बानी। वो जानवर चाहे कितना लाखों रुपए का था, वापस से करना पड़ेगी, क्यों? क्योंकि उसका भी एक प्रोसीजर दिया गया है, तो प्रोसीजर होगा तो वो कबूल किया जाएगा। तो प्रोसीजर अपनाना होता है दीन के अंदर उस अमल करने के लिए, तब वो जाके कबूल होता है। तो सही नहीं हुआ वो प्रोसीजर पूरा, वो तरीका सही नहीं हुआ, तो वो अमल कैंसिल हो जाता है। और कुरान के अंदर इन सारी चीज़ों की, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जो हमारे फ़राइज़ है, इनकी तफसील बहुत कम दी गई है। मुख्तसर नमाज पढ़ो, कितने वक्त में कौन सी पढ़ना है, कैसी पढ़ना है, कितने रुकू, कितने सजदे होंगे, क्या पढ़ना पड़ेगा, सब अल्लाह के रसूल सल्लम ने बताया। ज़कात देना है, क्या ज़कात दो, बहुत जगह कहा, लेकिन कितना देना है, सोने पर कितना, चांदी पर कितना, माल पर कितना, कहाँ होगा, उसके लिए कहा गया कि नहीं, ये अल्लाह के रसूल सल्लम ने बताया, कुरान में नहीं आया। इसी तरह हज के बारे में जो है पूरे कुछ कुरान के अंदर हैं और कुछ हदीस के अंदर भी आते हैं, वरकान भी आए हैं उसके अंदर, तो बताया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा कुरान के अंदर तलाक के ताल्लुक से सबसे ज़्यादा तफसील दी गई, इन सब का नहीं दिया अल्लाह के रसूल सल्लम ने बताया, लेकिन तलाक को के बारे में अल्लाह ने खुद बता दिया। कुछ एक चीज़ें जो हदीस में मिलती है, बाकी पूरा प्रोसेस ही कुरान में अल्लाह ने दे दिया। यानी इतनी अहमियत थी कि दो लोगों के अंदर जो है जुदाई ना हो, तो अल्लाह ने पूरा प्रोसेस इसका रखा, बड़ी तफसील इसकी दी। और इसके बाद में फिर भी कुछ लोग जो किताबों में लिख देते, बल्कि बोलते थे नहीं नहीं साहब, बंदूक के अंदर 3 गोली थी, दाग दी, बात ख़त्म, कत्ल हो गया। अरे इस्लाम ने ऐसी कोई बंदूक ही नहीं दी जिसके अंदर 3 गोली थी, वो एक ही चलेगी, बाकी सब वो ठक 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 खाली चलेगी, दीन ही उसके अंदर। तो अब दीन